बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेगनेंसी इन द वुमन ऑफ द फर्टाइल एज। फर्टाइल एज की वुमन है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है उससे, उसके बावजूद उससे सिक्स मंथ्स से एमेनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है। ठीक है, तो हम इसे एमेनोरिया कहेंगे। ठीक हो गया। ओलिगोमेनोरिया किसे कहते हैं? इररेगुलर पीरियड्स एट द इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज। अगर किसी का लॉन्गेस्ट पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन 35 डेज का, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया विद ओनली 4 to 5, इसमें 1 ईयर के अंदर 4 to 9 पीरियड आते हैं। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल बोथ एमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एमेनोरिया की दो चीज़ें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वैन द गर्ल्स फेज टू मेंस्ट्रुएट बाय द 16 ऑफ एज, मतलब गर्ल जो है वो 16 ईयर ऑफ एज पर उसे तब से ही मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, तो ये है प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया ये है कि मतलब रिप्रोडक्टिव एज पे है वो लेकिन उसको प्रेगनेंसी भी नहीं है और फिर भी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। इन नॉर्मल फीमेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज दैट इज नॉट ड्यू टू द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और द मेनोपॉज, ठीक है, फिर भी उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये सेकंड एमेनोरिया होगा। ठीक हो गया। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवेरी। हाइपोथैलेमिक में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में कोई मसला होगा, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज का, वेट लॉस, ये इसकी कॉजेज हो सकती है, स्ट्रेस, ठीक है। हाइपोथैलेमिक लियंस क्रेनियोफेरेंजियोमा बन सकता है, ग्लायोमा जो कि क्या करते हैं हाइपोथैलेमिक टिश्यू को कंप्रेस कर देगा और ब्लॉक करेगा डोपामिन को, ठीक है। हेड इंजरीज हो सकती है, कैलामन सिंड्रोम को हम एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन कहते हैं, जिसकी वजह से गोनेडोट्रॉफिक रेसिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी और अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया होंगे। ठीक हो गया। कैलामन सिंड्रोम क्या होता है? ये एमसीक्यू भी आता है कि एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन है जिसे गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग जो हार्मोन है एग्निस उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, एगोनिस नहीं गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉजिंग द अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया। ठीक हो गया। सिस्टमिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द सार्कोइडियोसिस टीबी। अब इसके अंदर से मेन आपको एक तो एक्सेसिव एक्सरसाइज, ठीक है, टीबी, सार्कोइडियोसिस की याद रखें, कैलामन सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक लियंस क्रेनियोफेरेंजियोमा जैसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर देंगे डोपामिन को। ठीक हो गया। अब पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स जो है इसमें क्या होगा कि पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाती है, जैसे शी हैंड सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो ड्यू टू द प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन फॉलोइंग द मेजर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज। ठीक हो गया। अब देखो, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आती है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो हमने उसे सबसे पहले क्या देते हैं? प्रोजेस्टेरोन देते हैं, ठीक है। अगर तो वो छोड़ेगी, मतलब उसे प्रोजेस्टेरोन उसने लेना छोड़ दिया तो ब्लीडिंग हो गई, तो इसका मतलब है कि यूट्रस में एस्ट्रोजन था लेकिन प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की कमी थी। ठीक हो गया। हमने प्रोजेस्टेरोन दिया और उसे पीरियड्स आने लगे, लेकिन अगर ब्लीडिंग ना हो, उसमें एस्ट्रोजन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एस्ट्रोजन भी नहीं है, दोनों चीज़ें ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेटरी ओवेरियन की डिसऑर्डर देखिए, एनोवेशन इज ऑफन ड्यू टू द पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ओवेरियन फेलियर इज अ कॉज ऑफ द हाइपरगोनेडोट्रॉफिक हाइपरगोनेडिज्म, ठीक है। ओवेरियन फेलियर कैसे होगा? अगर तो हाइपरगोनेडोट्रॉफिक हाइपरगोनेडिज्म हो गया, ठीक है, इसे हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। सेसेशन ऑफ द पीरियड्स बिफोर द 40 ईयर से पहले ही उसको पीरियड्स आना बंद हो गया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर। एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर के प्राइमरी एमेनोरिया में रिजल्ट फ्रॉम द प्राइमोलेरियन का डिफेक्ट हो गया, जेंडोट्रैक इंक्लूडिंग द एब्सेंट यूट्रस, एब्सेंट आउटर ट्रैक एबनॉर्मलिटीज है, जिसकी वजह से क्या होगा? हेमाटोकॉल्पस होगा, जो जो होता है ना ब्लड, वहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है हार्मोन से ऊपर, ठीक है, हेमाटोकॉल्पस कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर क्या हो सकता है कि रिजल्ट फ्रॉम द स्कारिंग, अगर तो एशरमैन सिंड्रोम, अभी हमने पढ़ा था कि एशरमैन सिंड्रोम की वजह से स्कारिंग होगी, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम फाइंडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, पहले ये देख लेते हैं हिस्ट्री, इसमें हमने डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, डिलेड प्यूबर्टी थी या फिर नॉर्मल, या पीरियड्स जो थे वो रेगुलर है इरेगुलर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लेंगे, अगर मदर मैरिड है तो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लेंगे। साइक्लिकल सिम्टम्स की, आपको पेन तो नहीं होती मेंस्ट्रुएशन के साथ, ठीक है, ये ग्रोथ उसकी देखेंगे, वेट देखेंगे, वेट लॉस होनी और लूजिंग वेट, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस के अंदर स्ट्रेस एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में सिस्टमिक डिजीज, सर्जिकल हिस्ट्री में इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, ड्रग हिस्ट्री में डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक हो गया। अगर ये मसला होगा, उसको डिलेड प्यूबर्टी हो रही है, कोई जेनिटल मैलफॉर्मेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ओलिगोमेनोरिया हमने पिस्टोआइस में बताया, इसके अलावा सेकेंडरी एमेनोरिया प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के अंदर हो सकता है। इनफर्टिलिटी जो है कि पिस्टोआइस की वजह से होगी, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिकल पेन जो है कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हेमाटोकॉर्पस इम्परफेक्ट हाइमन हो गया, हिस्टेरिसिस भी आपको बताया पीसीओएस में होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हमें उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, किसकी सारी, ये हमने हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बीएमआई देखेंगे, हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट में कोई, जो भी हमने सारी देखी, ठीक है। वीडियो इसके अलावा अगर पिट्यूटरी का लिया हो तो हमने देखना होता है कि आईज को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा, विजुअल चेक करेंगे, विजुअल सजेस्टेशन देखेंगे, विजुअल फीड चेक करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, अब एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया के अंदर हमने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है? अब देखो, फ्रॉम द हिस्ट्री एंड द एग्जामिनेशन शुड गाइड द चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रेगनेंसी टेस्ट पहले सबसे करवाएंगे कि प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं उसको एमेनोरिया हो गया, ठीक है। ब्लड कैन बी टेकन फॉर द, इसमें हम ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट चेक करेंगे, ब्लड के अंदर हार्मोन्स एलएच का लेवल चेक करेंगे, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन को। अगर तो जो एलएच है और टेस्टोस्टेरोन है ये दोनों रेज होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको पीसीओएस है, ठीक है। एलएच और एल एच और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होंगे तो इसमें क्या होता है? पीसीओएस, ये अभी हमने पीसीओएस में भी डिस्कस किया था, ये एमसीक्यू भी आता है कि पीसीओएस में कौन से हॉर्मोन ज़्यादा होते हैं, एल एच और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जबकि एफएसएच जो होता है वो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में ज़्यादा होता है, ठीक है। रेज प्रोलैक्टिन लेवल में इंडिकेट द प्रोलैक्टिनोमा। थायराइड फंक्शन चेक करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बीएमआई चेक, एमआरआई करवाएंगे ब्रेन की, ठीक है, बीएमआई देखेंगे और अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये तो उसमें बातें आ गई, ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट, ये आपने एग्जैक्ट जो है ना मैनेजमेंट इसकी ये लिखनी होती है। अगर तो बीएमआई लो होगा, आपने डाइटरी एडवाइस देनी है कि अपना वेट लूज करो, ठीक है। हाइपोथैलेमिक लियन है, सर्जरी करेंगे, ठीक है। ग्लायोमा कोई ट्यूमर है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टिनोमा तो आप डोपामिन एगोनिस देंगे, ठीक है। सर्जरी इफ द मेडिकेशन, अगर तो मेडिकेशन फेल हो जाती है तो फिर सर्जरी करेंगे। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर के अंदर एचआरटी और सीओसीपीज देते हैं, पीसीओएस में सीओसीपीज और क्लोमिफीन देंगे, एशरमैन सिंड्रोम के अंदर एरिथ्रोसाइलिसिस करेंगे और आईयूडी इंसर्शन कर देंगे। सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गई या कोई चीज़ नैरो हो गई है तो वहाँ पे डायलिटेशन करेंगे और हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। अब इसके यूक्यूज देखते हैं, इसके यूक्यूज देखिए, 33 ईयर ओल्ड, पैरा 20 का एमफीडस, सेकेंडरी एमेनोरिया, हाउ विल यू क्लिनिकली एवेल्युएट, ठीक है। क्लिनिकली अब इसे कैसे एवेल्युएट करेंगे? क्लिनिकली आपने पहले उसको उससे हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लेंगे, साइक्लिकल सिम्टम, हेयर ग्रोथ, वेट चेंजेस, ठीक है। लाइफस्टाइल, पास्ट मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे,
ड्रग हिस्ट्री लेंगे, हेडेक, गैक्टोरिया या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट में हम करवा लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, एलएफटीज का सॉरी थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। हार्मोनल लेवल चेक करेंगे, अगर तो एलएच टेस्टोस्टेरोन तो पीसीओएस, अगर एफएसएच है तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, ठीक हो गया। अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 18 ईयर ओल्ड गर्ल हैज अ प्राइमरी एमेनोरिया बट अदर फीचर ऑन द एग्जामिनेशन विल लुक टू फाइंड आउट इफ द प्यूबर्टी इज डिलेड ऑर नॉट। अब कहने के इसके अंदर एग्जामिनेशन पे आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे, ठीक है। एक तो इसमें ड्रामेटिक वेट लूज हुआ होता है, डिफिकल्ट लूजिंग या तो फिर डिफिकल्ट लूजिंग वेट होगी, ठीक है। सिस्टमिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा साइक्लिकल पेन होगी विदाउट मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एमेनोरिया होगा और डिलेड प्यूबर्टी होगी, ठीक है। पॉसिबल कॉजेज, इसकी कॉजेज क्या हो सकती है, कॉजेज में आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक ग्लियंस हो सकती है, ओवुलेटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो वही आपने ब्लड हार्मोन चेक करवाएंगे, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एमआरआई करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड स्कैन, ठीक हो गया।